سارعي للمجد والعلياء مجدي अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। भाई आज हमारी व्लॉगिंग को 2 साल हो गए और आज ही के दिन हमने 2 साल पहले यौमिल वतनी वाले दिन अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो आज हम दोबारा जा रहे हैं यौमिल वतनी की सेलिब्रेशन के लिए और हम व्लॉग भी बनाएंगे और फायरवर्क्स भी देखेंगे। तो खबर में काफ़ी रश बढ़ जाता है जिसकी वजह से अक्सर रश मतलब अक्सर बंदा लेट हो जाता है। तो आज हम एहतियात के तौर पर काफ़ी जल्दी निकला, तकरीबन हम 4 बजे निकल गए। तो अब देखें हम कब पहुँचते हैं। पिछले साल जब हम लोग आए थे ना तो हमें यहाँ से पहले जो एक चौक था वहीं से रश मिलना शुरू हो गया था। और ये जो पूरी जगह है अभी देखें, आप इधर देखें, ये पूरी जगह भी खाली पड़ी हुई है। पिछले साल इस जगह से उस ब्रिज तक जाने में हमें पूरे 45 मिनट्स लगे थे। मेरे ख्याल से बस है, और बुलाऊं या बस करूं? लास्ट ईयर हमने इस ग्राउंड में गाड़ी खड़ी की थी और फिर हम लोग यहाँ से पैदल गए थे। इन्होंने ये रास्ता बंद किया हुआ है, ये सीधा रास्ता आता है कॉर्निश में। चलो एटलीस्ट ये वाला यू टर्न तो खुला हुआ है। यार अजीब ही सिचुएशन हो गई, वो उस वक्त वहाँ पे ट्रैफिक जाम था, हमने कहा पार्किंग नहीं मिली, हमें एंटर ही नहीं होने दिया उन्होंने सी वहाँ पे कॉर्निश के अंदर। उसके बाद ये हमें आगे ड्रैग करते रहे और हम ड्रैग होते होते तकरीबन जिस पॉइंट के ऊपर फायरवर्क होने से तकरीबन 8 किलोमीटर आगे आ गए सेम रोड के ऊपर। अब हम राघा कॉर्निश पर ऑलमोस्ट आ गए। अब ये 6 क्रॉस करने के बाद ना हमें 7वें नंबर पर ही हमें यू टर्न मिला है, सारे बंद किए हुए थे उन्होंने। अब जब हम वापस जाएंगे तो हम फिर मजीद ट्रैफिक में फंसेंगे। मेरे ख्याल से ये भी बंद है, माशाल्लाह ये भी बंद है। पता नहीं दुनिया के कौन से कोने में हमें पहुंचाना चाह रहे हैं ये लोग। सारे कट बंद कर करके इन्होंने हमें राघा कॉर्निश तक पहुंचा दिया, धकेल धकेल के। मुझे अब लग रहा है हम लोग जाके डायरेक्ट कतीफ में जाके फायरवर्क एंजॉय करेंगे। यहाँ पे तो कुबर में मुमकिन नहीं है क्योंकि सब बंद है। मैं तकरीबन होते होते अपनी यूनिवर्सिटी तक पहुँच गया। फाइनली आफ्टर 10 to 12 किलोमीटर हमें एक यू टर्न मिल गया। मुझे नहीं लग रहा कि अब हम जा पाएंगे, वहाँ पहुँच पाएंगे, क्योंकि वही वाली बात होगी जल्दी निकलने का फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि पूरा ट्रैक हम लोग अवे हो गए, पहुँचेंगे नहीं हम। जब पहुँचेंगे तो फिर हमें रश मिलेगा। उस वक्त हमें यहाँ से जो हम चलना शुरू कर रहे हैं हमें वहाँ तक इन्होंने यू टर्न कराया है। हम तकरीबन 12-13 किलोमीटर चलेंगे। अब वापस आ गए इस ट्रैक के ऊपर विच इज़ नियर टू द कॉर्निश। कितना टाइम लगेगा, यहाँ कोई पार्किंग अब हमें इस तरफ भी मिलेगी ना, हम पार्क करके रोड क्रॉस कर लेंगे, लेकिन अब गाड़ी खड़ी कर देंगे। भाई अभी हम इस तरफ आ गए हैं, ठीक है, पार्किंग मिलेगी मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी देखेंगे। अभी हम मगरिब की नमाज पढ़ने मस्जिद आ गए। भाई काफ़ी घूमे, उसके पूरे तकरीबन 2.5 घंटे के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं और अभी भी हम जिस स्पॉट पे रुके हैं हमें उस तरफ जाना था, लेकिन बहरहाल अब हम रुक गए हैं, अब पार्किंग भी मिल गई है और अब पार्क में बैठे थोड़े एंजॉय करेंगे। घर से हम कावा वावा बना के लेकर आए थे कि कॉर्निश बैठे खाएंगे पियेंगे, लेकिन अब ये है कि यहीं पे हम इसका अभी को एंजॉय करेंगे और 2.5 घंटे से पहले कुछ पहले 1 घंटे पहले तक वहाँ से रहेंगे और फिर कॉर्निश पे आके फायरवर्क को भी एंजॉय करेंगे और आपको भी दिखाएंगे फायरवर्क इंशाल्लाह। ये है वो जो जगह हमें जहाँ जाना है। ये पूरा सौदिया जो है ना लग रहा है कि यहीं आ गया है खोबर कॉर्निश के ऊपर, और वो सामने देख रहे हैं वो जगह होनी है जहाँ पे फायरवर्क होगा। ईशा की अजान हो गई है, जमात हो रही है, तो यहाँ हम नमाज पढ़ लें। आठ बजकर 8 मिनट हो चुके हैं और अभी भी तकरीबन 52 मिनट्स हैं फायरवर्क होने में। Yeah.
पाकिस्तानी और एक सऊदी के दरमियान वो फाइटिंग हो गई थी, वो वाली मजाक वाली, वो एक दूसरे के ऊपर स्प्रे कर रहे थे, तो फिर बाकायदा बाकायदा मजमा जमा हो गया, पता नहीं लोग क्या समझ रहे थे क्या चल रहा है, लेकिन बहरहाल कुछ चल रहा था, तो वो बहरहाल सॉर्ट आउट हो गया, अब मामला जो हैं वो काबू के अंदर हैं। भाई ने मेरी एंगल को सही किया, वो वगैरह से आपकी शायद शक्ल कट रही है। तो बहरहाल मैं बता रहा था वहाँ पे जो है ना बेहूदगी हो रही है क्लास की, और सब लोग लगे पड़े हैं फुल टाइम डांस करने में, इंग्लिश गाने चल रहे हैं, अरबी गाने चल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है किसी क्लब में आए हैं, मतलब डीजे बने हुए सबके सब। आप सिर्फ 5 मिनट्स लगे हैं 5 के स्टार्ट होने में, 4 मिनट्स लगे हैं, आप 3 मिनट्स, 2 मिनट रह गए हैं भाई, 1 मिनट रह गया है, अब किसी भी वक्त फायरवर्क स्टार्ट हो जाएगा।
तकरीबन 7 मिनट की इन्होंने फायर वर्क किया और ये वर्थ वॉचिंग था। 4-6 घंटे की ख्वारी मुकम्मल हो गई, बहुत मजा आया। चलिए भाई मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। टिल देन मसलम, शब खैर। भाई असल में हुआ ये है कि बहुत बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया है। पिछले आधे घंटे से हम इस ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए हैं और ज़रा सी जुम्बिश नहीं आ रही है। तो मैंने तो गाड़ी लगाई साइड पर, बंद कर दी है। अब यहाँ देख सकते हैं सारी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं बुरी तरीके से ना, लोग फंसे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इवन वो जो एम्बुलेंस है उस एम्बुलेंस में भी एक पेशेंट है और उसके साथ वहीं ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि जारी पता है कि उसको भी मूव नहीं कर सकते। तो अब ये अब थोड़ी सी गाड़ियाँ चली हैं लेकिन देयर इज़ नो होप, ये फिर रुक जानी है। इनको ज़रा सी बढ़ती है गाड़ी और फिर रुक जाती है। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा मतला साफ़ हो जाए उसके बाद ही ऐसी गाड़ी मूव करेंगे। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा कठिन हो गया हमारे लिए क्योंकि ट्रैफिक बहुत बुरी तरह से जाम हो गया है।